थमजो मजामा भाई लोग, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू देखकर दिल्ली की दो लड़कियां पंजाब में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मिलने जेल पहुंच गई। बठिंडा जेल के अधिकारी ने दोनों लड़कियों को सखी केंद्र में भेज दिया है। काउंसलिंग के बाद दोनों को परिवार के हवाले कर दिया जाएगा। दोनों लड़कियों के फोन से लॉरेंस बिश्नोई की काफी तस्वीरें मिली है। नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर सखी सेंटर पहुंचाया है। केंद्रीय जेल तक पहुंची लड़कियों में से एक 9वीं और एक 8वीं कक्षा की छात्रा है। उनका मुख्य मकसद लॉरेंस बिश्नोई से मिलना था। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे अपने परिजनों को अमृतसर जाने का कहकर आई है। बठिंडा केंद्रीय जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू को देखने के बाद दिल्ली की दो नाबालिग लड़कियों को ऐसा भूत सवार हुआ कि उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को मिलने की ठान ली। दोनों लड़कियां अपने परिजनों को अमृतसर जाने का कहकर दिल्ली की सुकर बस्ती से फाजिलका की टिकट लेकर ट्रेन में बैठ गई और बठिंडा रेलवे स्टेशन पर उतर गई। इसके बाद ऑटो से दोनों लड़कियां केंद्रीय जेल तक पहुंच गई। वहां पर जेल प्रशासन ने दोनों लड़कियों के परिजनों को सूचित किया। पुलिस ने उनके मोबाइल खंगाले, साथ जब पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। ऑटो से दोपहर 1 बजे केंद्रीय जेल तक पहुँच गई। लड़कियां केंद्रीय जेल के मुख्य गेट पर पहुंची और फिर सेल्फी लेनी शुरू कर दी। इसी दौरान जेल गेट पर तैनात पुलिस सुरक्षा कर्मी ने दोनों लड़कियों को हिरासत में लेकर जेल के बड़े अधिकारी को सूचित किया। मौके पर पहुंचे जेल अधिकारी नेगी ने दोनों से पूछताछ के बाद स्थानीय पुलिस को बुलाकर उनके हवाले कर दिया। इधर पूछताछ में पता चला कि दोनों 8वीं और 9वीं कक्षा की छात्रा है और दोनों में लॉरेंस का क्रेज किसी फिल्मी हीरो की तरह है। तो भाई लोग, इस पूरे घटना पर अपनी क्या राय ये कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।